टाइम नहीं है एक चीज लेने से, और वो भी मेरे मिस उसमें ले लूं मेरे फुर्सत से, नॉट एट देयर कन्वीनियंस, एट माय कन्वीनियंस आई कैन कंज्यूम. सभी जगह से मुझे हेल्प भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए, राइट. ऐसी कोई चीज हमें चाहिए थी, और वो परफेक्ट चीज मिरेकल ऑफ नेचर. प्रोफेसर हैज वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट अबाउट गेवडमा एंड हाउ आई केम इन टू गेवडमा. मेरे पूरे मेडिकल के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं 12 या 1 बजे से ज्यादा आई वॉज अवेक. फाइनल MBBS की भी एग्जाम है, सोचूंगा कि भी आज तो पूरी रात आई हैव टू बी अवेक, कितना कुछ पढ़ना बाकी है. 1 बजे 2 बजे टाइम टाइम फिश. और एक दिन जामनगर में ऐसे हुआ कि रात को 9 बजे किसी ने मुझे हमारी ये कॉफी जो है वो कॉफी पिलवा दी. नाइट टू गो टू राजकोट, और मुझे दूसरे दिन राजकोट में एक पेपर प्रेजेंट करना था. सो आई टू बी अवेक द होल नाइट, और सब तैयारी करनी थी वो पेपर के लिए. रात को मैं 1 बजे राजकोट पहुंचा और फिर सब प्रिपरेशन चालू किया. 5 बजे सुबह में सब काम खत्म हुआ, तब तक मुझे ये पता नहीं चला कि पूरी रात कहाँ खत्म हो गई. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट में कुछ लोचा जरूर है, राइट. उसके बाद सब रिसर्च करना चालू किया. आई वेंट टू चेन्नई ऑल्सो, टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन. और अभी एज अ डॉक्टर नथिंग इज लेफ्ट आउट फॉर मी टू सी. इफ आई जस्ट सम अप इन वन सेंटेंस, एक डॉक्टर के तौर पे सिर से लेके पांव तक कुछ भी देखना मेरे लिए बाकी नहीं है. मेरे पास इतना बड़ा स्टैक है रिजल्ट का, इतना बड़ा स्टैक है, टन्स एंड टन्स ऑफ देम, हेड टू टो. आई हैव गॉट पेशेंट्स कमिंग आउट ऑफ कोमा, 1 ईयर स्टैंडिंग कोमा, 1-1 साल, राइट. ऑल दिस मेडिकल मिरेकल्स, दे आर ऑन द स्टेज. 27 जुलाई को बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा गुजरात में, उसमें सब लोग स्टेज पे आने वाले. 1-1 साल कोमा में रहने के बाद लोग बाहर आए. Yeah, I got a photograph also, and in the end of the session, I'll definitely show it to you. So, photographs थोड़े लेके आया, because मेरे सब slide में रहता है, stack and all. This was just a 1 hour lecture, तो इसमें detail में नहीं जाऊंगा. But what is Gevodama, कैसे help करता है, and what is the positioning of Gevodama in the current situation? We have half an hour's time? We have? Yeah. We have it, no? Okay, fine. So, I'll just discuss accordingly. 3 days, how Gevodama is working on the body. But just for your knowledge, आपको basic सब चीजें हैं, वो बता रहा हूं, what is this? Now, as you all must be knowing, you are all well aware about DXN and as well as Gevodama, कि ये 5,000 साल पुरानी चाइनीज औषधि है और दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में इसकी गिनती की जाती है. अभी औषधि के तौर पे देखा जाए तो जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत है, ऐसे चाइनीज मेडिसिन में देर इज समथिंग कॉल एज शेंगनोंग हर्बल क्लासिक. शेंगनोंग हर्बल क्लासिक नाम की उनकी एक गीता की तरह बुक है, 2,000 साल पुरानी बुक है. इसमें 365 औषधियों का वर्णन किया गया है बेस्ड ऑन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. उनका स्वास्थ्य में क्या रोल है उसके मुताबिक 365 औषधियों का वर्णन किया गया है इन दिस शेंगनोंग हर्बल क्लासिक. ये 365 औषधियों में इससे नंबर 1 स्लॉट दिया जाता है, फर्स्ट 1. माने चाइनीज रूप से देखा जाए तो मानवीय के इतिहास में सबसे ताकतवर चीजों में इसकी गिनती करते हैं. अभी दुनिया में बहुत कुछ चला था बीच में ज्यादातर इसके नाम से, जिनसेंग जिनसेंग जिनसेंग, राइट. फॉर मी आई एज अ डॉक्टर आई टेल यू जिनसेंग इज मोर ऑफ अ हाइप देन रियलिटी, राइट. आई रिपीट, जिनसेंग इज मोर ऑफ अ हाइप देन रियलिटी. नंबर 2 आफ्टर गेवडमा इज जिनसेंग. पर मैंने इतना कुछ इसमें स्टडी कर लिया है, दोनों में स्टडी किए, 1 और 2 के बीच में कोई कंपेरिजन ही नहीं है. एब्सोलूटली नो कंपेरिजन फॉर जिनसेंग एंड दिस. जिनसेंग के कई कॉन्ट्राइंडिकेशन है. आप हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिनसेंग नहीं दे सकते, जिनसेंग एब्रप्टली आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जिनसेंग लेने के बाद कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये सब दे आर नॉट डेड विद गेवडमा. इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑफकोर्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इसका कोई भी मैच नहीं है. आयुर्वेद में एक तीसरा महाग्रंथ है आज दिस चरक संहिता सुश्रुत एंड आर्यभिषक. आर्यभिषक यू नो, आर्यभिषेक नाम का ग्रंथ जानते, राइट. इसमें ये जाति के बारे में लिखा गया है, आई कोट अनकोट, कि इसे बनाने से ईश्वर ने अपना चातुर्य हमें बताया है और अपनी शक्ति का परिचय दिया है, ऐसा आर्यभिषेक में इस जाति के बारे में लिखा है. सो औषधि के तौर से देखा जाए तो दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में इसकी गिनती की जाती है. किंग ऑफ ऑल और मदर ऑफ ऑल, व्हाट वी कॉल इट. अभी एक मशरूम के कैटेगरी में आता है. मशरूम हमें बताए माने सीधे क्या जाता है, बिलाड़ी का तोप, अलोम्बे, कुंभी, आप क्या क्या नाम से पुकारते हैं इसको, कुकरमुत्ता, ओके. माने तरह तरह के नाम है जो हम देखते हैं कि रेनी सीजन में जो बाहर उगते हैं वही मशरूम हमने अब तक सुने. दूसरा मशरूम कौन सा है, पाटिल एक्सपोर्ट मशरूम की एड आती थी पेपर में, आपके आती थी मशरूम उगाओ, मशरूम उगाओ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दोज एड.
थर्ड इज दैट जैसे रेस्टोरेंट में सब उसके रिसाइप्स होते हैं, पिज्जा होते हैं, सूप्स वगैरह होते हैं मशरूम के. या यू मस्ट हैव सीन दैट. अभी गुजरात में एक बड़ोड़ा में एक कंपनी आई है, मशरूम का खाखरा, मशरूम का ढेबरा, मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पिकल्स, सभी कुछ मशरूम का. ऐसे देखा जाए तो देर आर 38,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम इन द होल वर्ल्ड. दुनिया में 38,000 तरह के मशरूम है. ऐसे देखा जाए तो 1,00,000 तरह के मशरूम है. पर इस ज्यादातर लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आए, सिंपली बिकॉज मशरूम का अभ्यास करना डिफिकल्ट है. इसके ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि इसका अभ्यास करना डिफिकल्ट है. उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज. 38,000 वेराइटीज में से 2,000 वेराइटी ऐसी है जो एडिबल है, जिसे आप खा सकते हैं, राइट. और 2,000 में से 5 वेराइटी ऐसी है जिसका स्वास्थ्य में बहुत ही बड़ा रोल है. और 5 में जैसे पहला स्थान दिया जाता है वो भी फिर से यही है. माने मशरूम के तौर से देखा जाए तो सबसे ताकतवर मशरूम में इसकी गिनती की जाती है. औषधि के तौर से देखा जाए तो दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि में इसकी गिनती की जाती है. फॉर योर नॉलेज, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नाउ डीप इनटू डीएक्शन, आपको ये बताना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट प्रमोट दिस एज अ मशरूम मशरूम. हम मशरूम बोलेंगे तो अभी सभी लोगों का माइंडसेट वही है, वही जो कुकरमत्ता या अलोम में या बिड़ारी का, तो वही उनको सीधे याद आता है. और मशरूम के लिए क्यों ऐसा मीन्स उनके दिमाग में ऐसा मीन्स इल दिस थिंग इज देयर, बिकॉज मशरूम ज्यादातर ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जो गंदी जगह है, जहां पे रूटीन में कोई जैसे उकड़ा बोलते हैं, राइट, कचरा ढेर है वहां पे पाए जाते हैं. तो लोग ऐसे मानते हैं कि गंदी जगह में उगते हैं, माने खुद गंदे, हम खुद नहीं खा सकते. दूसरा, ये मीट के तौर पे उनका कोई लुक है, उनका टेस्ट है. तो कोई जो वेजिटेरियन है वो मानते हैं कि हम हमारे नहीं है. पर वो एक मशरूम है जो कुकरमुत्ता आप रूटीन कोर्स में समझते हैं, वो एक मशरूम है. ये बिल्कुल से अलग मशरूम है, ये मेडिसिनल मशरूम है. वो एडिबल या नॉन एडिबल मशरूम है. इज दिस वेरी क्लियर, राइट. तो प्लीज डू नॉट प्रमोट दिस एज मशरूम. आप इसे ऐसे तरह से प्रमोट करो कि ये एक बहुत ही ताकतवर औषधि है, संजीवनी के तौर पे ये औषधि है. इज दिस वेरी वेरी क्लियर, राइट. इफ यू, बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 26 months. कई लोग मशरूम का नाम सुनते ही सीधे ढीले हो जाते हैं, उनको मशरूम के लिए और कुछ मालूम नहीं है. सो ये तो बहुत ही ताकतवर औषधि है, जो मेडिकली देखी जाए तो औषधि की पहले अवेलेबल नहीं था. इसका इतिहास ये बताता है कि इसका उपयोग चाइना के राजा महाराजा करते थे. लंबा क्वेश्चन है कि राजा महाराजा अपने 250-300 सैनिकों को जंगल में भेजते थे. वो 2 से लेकर 3 महीना घूमते थे और 10 से 12 हजार पेड़ ढूंढने के बाद उनको 2 या 3 मशरूम ऐसे मिलते थे. यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस. ये तो आपने गेवड़ामा सब देखा होगा, राइट. ऑलवेज कीप गेवड़ामा विथ मी, यू शुड ऑलवेज कीप गेवड़ामा विथ यू. हमने ये देखा. यू लाइक टू सी दिस? किसी को देखना नहीं है ना. ओके, ये आपके साथ में रखो, यहाँ पे रखो, फिर देखो क्या होता है. मैंने इसके स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत स्टडीज कर लिए, अभी कुछ देखना मेरे लिए बाकी नहीं है, राइट. एक घंटे में बोलना है, जहां पर 15-15, 20-20 सालों से वो रूम बंद है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता. वो रूम आप साफ करने जाएंगे तो कोई और काम पे लग जाएंगे. दिस इज अ हार्ड फैक्ट आई एम टेलिंग यू. रूम कोई साफ करने जाता तो वो काम पे लग जाता, वो रूम ही भूल जाता. ऐसे काम पे उसको लगा रहे थे. ऐसा देर वॉज सम नेगेटिव एनर्जीज इनसाइड विच इज डेफिनेटली देयर. 15-20 सालों में कई कई बड़े बड़े तोप आ चुके उसको देखने के लिए, वो नेगेटिव को निकालने के लिए. बोले यहाँ पे कुछ है पर हमारे बस की बात नहीं है. और इसका हमने सब जो हम रूटीन में जो रिसर्च करते हैं, इस पीस को हमने वहां पे रख दिया. 3 दिन में जो गया तो गया, आज को वो 2 साल हो गए वो रूम में लोग रहते हैं आराम से. एक आपके साथ बोलने जाऊंगा तो इतना बड़ा स्टैक है, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग 30-40 आवर्स, नो प्रॉब्लम. बट जस्ट कंस्टेंट ऑफ टाइम, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू इसकी ताकत क्या है. रेकी के जो सुपर मास्टर हमारे साथ है, जो सब रेनबो रेकी वगैरह करते हैं, वो ये बोलते हैं कि इससे आगे दुनिया में और कोई चीज स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकल मेंटल, तो मैं आपको बताता हूँ, स्पिरिचुअल इज नॉट माय एरिया, बट स्पिरिचुअल लेवल पे बोलते हैं कि इसके आगे और दुनिया में कुछ नहीं है. यू शुड कीप, एवरीवन शुड कीप गेवड़ामा पीस विद देम. दैट इज द फर्स्ट थिंग आफ्टर जॉइनिंग डीएक्शन. किसी के पास जाएंगे तो क्या बुलाएंगे, मेरे पास एक कैप्सूल ऐसा बताएंगे? कोई आपके पास ऐसा कोई पाउडर लेके आ जाए तो आप मानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है? आपको पहले ये दिखाना जरूरी है कि ऐसे इसमें से गेवड़ामा के कैप्सूल्स वगैरह बनते हैं. डॉक्टर जो सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं, सब आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. या पढ़े स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास 250 रुपए में मिलता है ना. ये पर्टिकुलर पीस जो है वो आप सेवा में रख सकते हैं. आपके घर में मंदिर होगा, सबके घर में मंदिर या कोई भी पवित्र जगह घर में होगी, उसमें ये जो डंडी है इसको आप ईशान दिशा में रख दीजिए. ईशान, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है खूना, ईशान दिशा.
इसमें खास ध्यान रखना, ये डंडी हैज टू बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट ओनली, नो अदर डायरेक्शन, अदरवाइज ये या इसमें एनर्जी खींचने की बहुत ही ज्यादा ताकत है, यू कैन नॉट बिलीव इट, ऐसी ताकत एटमोस्फियर से खींचता है। पंच धातु समझते, पंच धातु सब इसी में है, टन्स एंड टन्स ऑफ वर्क वी हैव डन एट अ स्पिरिचुअल लेवल। ओके, सो वी कम बैक टू दिस शेंग नोंग एंड हिस्ट्री के उपयोग से राजक मेंशन है, मैंने सब स्टडीज का किया है कि 7 से लेकर 8 हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के पास ये सब था, राइट उनके पास सब ज्ञान था, पर उनको जो नीचे पास करने की आदत नहीं थी, पास माने ओनली टू द डिसाइपल्स, नथिंग ऑन पेपर, इसके लिए उनके साथ ये सब विद्या चली गई एंड अक्रॉस टिबेट, इंडिया से सब चाइना में गया। और चाइना के लोग कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी होती है, आपका तो थोड़ा पास में है चाइना, हम तो गुजरात में थोड़े दूर है, अब तो चाइना से थोड़े पास में है, या कैसे लोग है वो, या एकदम बारीकी से सब काम करते हैं ना। हमारे वाजपेयी जी क्या करके आए, कुछ देके आए, कुछ लेके आए, देने वाली बात नहीं है उनके पास, सब लेने वाली बात है। दे टुक द होल थिंग, उसका सब उनको डिटेल, इसका वैल्यू पता चला, उन्होंने सब कागज पे रख दिया और इसका 4878 ईयर्स का ऑन पेपर रिकॉर्ड है, 4878 साल का इसका ऑन पेपर रिकॉर्ड है। दिस इज व्हाई इसलिए इज नोन एज अ 5000 ईयर ओल्ड मशरूम टेक्निक, दिस इज मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज यू मस्ट बी नोइंग, आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स ऑफ दैट, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इसका जो वर्ल्ड मार्केट है इन अ स्पेस ऑफ लास्ट 5 to 10 years लोगों को ज्यादातर ये पता चलने लगा है, और अभी इतने टाइम में इसका वर्ल्ड मार्केट जो है वो 15,000 करोड़ पे पहुंच गया है। कैन यू बिलीव दिस, 15,000 करोड़ पे इसका वर्ल्ड मार्केट है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड मार्केट। दुनिया में टू माय नॉलेज ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतने छोटे टाइम में इतने ज्यादा सेल पे पहुंच गई है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द बुलशिट प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक वियाग्रा एंड ऑल दोस नॉनसेंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज ऑफ रियल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन लाइफ, राइट। ये 15,000 करोड़ पे पहुंच गया, इसका 6,000 टन प्रोडक्शन है पर ईयर, और दुनिया में चारों ओर जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, ब्रुनेई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज, नाउ गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, एवरीवेयर इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन के तौर पर ये स्प्रेड हो रहा है। और अभी नेट पे कितने लोग जाते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू नेट फॉर दिस, कितने लोग नेट पे जाके देखे इसके बारे में, वेरी फ्यू पीपल। यू कैन गो एंड सी द करंट फिगर इज अराउंड 8,900 वेबसाइट्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द फिगर दैट यू हैव सीन यस्टरडे ओनली। हमारे यहाँ सब स्पेशलिस्ट है, गुजरात में हमने स्पेशलिस्ट कर दिए, एक नेट का स्पेशलिस्ट है जो एक दिन में 5 घंटे नेट पे ही बैठता है, सब अलॉट वर्क एज अ टीम, राइट, टीम वर्क करते हैं गुजरात में, तो एक को नेट पे बिठा दे, नेट पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी साइट सब कौन से लेवल पे, सब वी आर फंक्शनिंग एज अ टीम, दैट डॉक्टर रत्ना विल डेफिनेट डिस्कस विथ यू। और उसके सब मॉलिक्यूलर लेवल के सब स्टडीज हो चुके हैं। For me as a doctor, what I want to tell you is, इसके सब molecular level के studies हुए या हो चुके हैं या हो रहे या होने जा रहे, और इसमें कौन कौन से सत्व है, शरीर को कैसे help करता है, ये सभी कुछ ज्यादातर 95% हमें मालूम चला है। तो ये जो भी हम बात करते हैं गेवड़ामा के जो results के बारे में, वो किसी के दिमाग की उपज नहीं है। आप ये लेके कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्वेश्चन करेगा, राइट, समटाइम्स दे मे क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे ऑल्सो, जैसे आपको पूछेंगे भी मैं पूरा इतना 10-12 साल पढ़ तेरी डिलीवरी के टाइम मैं ही खड़ा था और अभी तू मुझे कैसे सिखाने आ गया, ऐसा होता है कुछ रूटीन कोर्स में। डॉक्टर के साथ बात करते हैं तो यू ऑलवेज टेंड टू बी केयरफुल कि क्या चीज है, कौन सी कैटेगरी में पड़ती है, शरीर को कैसे हेल्प करती है, वो जस्ट आपको रूटीनली समझा रहा हूं। और पूरी दुनिया इसके बारे में क्या कर रही है, लिनस पॉलिंग, देन कॉलन मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऐसे सब रेप्यूटेड सेंटर्स में इसके ऊपर सब स्टडीज हो चुके हैं। अब इसकी जो कैटेगरी है, what are the categories where it is falling and how it is helping the body, another 15-20 minutes, no problem, yeah, we are perfectly on time, na? You please tell me when we have to stop because lots of other topics to be taken up. ये तो मैं आपको एक brief overview दे रहा हूँ कि कौन सी categories में आता है, you might not be knowing certain things which I am talking from now on. शरीर को कैसे help करता है वो explain करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना जरूरी है कि ये हमारे शरीर के कोष के ऊपर काम करता है। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन डीएक्सएन, फॉरगेट द नेम ऑफ एनी डिजीज व्हाटसोएवर, आप सिर्फ यही बोलिए कि हमारा शरीर जो है वो कोष का बना हुआ है और गेवड़ामा कोष के ऊपर काम करता है। सभी लोगों की शुरुआत एक कोष के तौर पे होती है माता के गर्भ में, माता का एक कोष और पिता का एक कोष, दोनों का एक एक कोष मिला के हमारा कोष बनता है, राइट, जो सूक्ष्म चीज है माता के घर में, सभी लोगों की शुरुआत ऐसे होती है। फिर ये कोष का मल्टीप्लीकेशन होता है,
एक का दो, दो का चार, चार का आठ, जैसे आपके यहाँ सब स्कीम चलती है इंदौर में, राइट, एमएलएम की स्कीम, राइट, ये सभी कोश का मल्टीप्लिकेशन होते होते कोश में से सब टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन माने अवयव, अवयव माने स्पेयर पार्ट, हृदय एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ये सब हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट्स है, और स्पेयर पार्ट के साथ कोई चीज जुड़ती है तो तंत्र बनते हैं, तंत्र माने सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, चेता तंत्र, सभी हमारे शरीर के तंत्र है, वो तंत्र सभी मिला के क्या बनता है, अल्टीमेटली हमारा शरीर या बॉडी बनता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो गोल घूम के हम कहां वापस आ गए फिर से, अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा शरीर एक कोश का बना हुआ है, सिर से लेकर पांव तक आपका शरीर खोला जाए और माइक्रोस्कोप नीचे देखे तो सभी हमारा उसमें कोश ही है, राइट, हमारे जो अवयव है, हृदय खोलेंगे उसमें भी कोश ही है, किडनी में भी कोश ही है, लीवर में भी कोश ही है, गेवड़मा जो भी काम करता है वो कोश के ऊपर काम करता है, इसको एडप्टोजन की कैटेगरी में रखते हैं। एडप्टोजन, एडप्टोजन माने ऐसी चीज जो सेल स्पेसिफिक है, यू कैन रीड दिस, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड दिस, ओके, जो सेल स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक चीज है, जिसको कोई भी बीमारी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा शरीर कोश का बना हुआ है, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के कोश सेल्स हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हमारा शरीर हेल्दी माना जाएगा, ये सुनो, या शरीर के कोश अनहेल्दी हो गए, बीमार हो गए, तो हमारा शरीर जो है वो बीमार माना जाएगा। किसी का हृदय फेल होगा उसका मतलब क्या हुआ, हृदय के कोश बीमार हो गए, किडनी फेल उसका मतलब क्या हुआ, किडनी के कोश बीमार हो गए, माने कोश अस्वस्थ माने शरीर अस्वस्थ और कोश ने काम करना बंद कर दिया, ना बोल दिया, तो हमारा क्या होगा, दूसरे दिन हमारा फोटो आएगा, आपके यहाँ कौन से नंबर पे आता है पेज में, थर्ड नंबर, हमारे यहाँ गुजरात में लास्ट पेज में आता था पहले, पर अभी ऊपर जाने की संख्या जो लाइन बढ़ गई है तो अभी लास्ट पेज में भी आता है, सेकंड में भी आता है, थर्ड में, कभी फर्स्ट में भी आ जाता है, ऑल डिपेंड ऑन कितना लोग ऊपर फास्ट जा रहे हैं उसके ऊपर है। कोच ने काम करना ना बोल दिया, माने हम स्वधाम पहुंच गए। अभी अब तक हमने जो देखा है वो सिर्फ दवाइयां देखी है, राइट, तो दवाइयां कैसी है, सब स्पेसिफिक है, एक प्रॉब्लम है उसकी एक दवाई, दूसरा प्रॉब्लम दूसरी दवाई, तीसरा प्रॉब्लम तीसरी दवाई, आपको सिर दर्द है उसकी एक दवाई है, कैल्पोल है, लाइक ऑल दोस थिंग्स, आपको एसिडिटी है उसकी दूसरी दवाई है, डाइजिन लेते हैं, जेल्यूसिन लेते हैं, आपको यहाँ पे सीने में एकदम जोरों से दर्द हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं, वो जीभ के नीचे जो गोली रखते हैं, सोबिडेट, या सो एक प्रॉब्लम एक दवाई, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, और यहाँ की दवाई आप यहाँ पे दे सकते हैं, तीसरे का दवाई दूसरे में दे सकते हैं, आपको एकदम जोरों से यहाँ पे दर्द हुआ और आप जेल्यूसिन लेके बैठ गए तो क्या होगा, दूसरे दिन फोटो आ सकता है, राइट, सो दवाइयां जो है वो स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर रोग के ऊपर काम करती है, गेवड़मा नॉन स्पेसिफिक है या सेल स्पेसिफिक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, क्यों ये इतना ताकतवर है, बिकॉज कोश के अंदर जाने की इसमें बहुत ही बढ़िया क्षमता है, जिसे मेडिकल भाषा में ICP बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर पेनिट्रेशन, और कोश के अंदर जाने की इसमें जितनी क्षमता है, इसी क्षमता दुनिया में और कोई चीज में पाई नहीं गई, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज किंग ऑफ ऑल, सभी लोगों का ये राजा माना जाता है, किंग ऑफ एडप्टोजन। हमारी जो तुलसी है, तुलसी खुद एडप्टोजन है, अश्वगंधा वो भी एडप्टोजन है, पर ये इससे आगे है, बिकॉज ये एक अकेले एडप्टोजन नहीं है, शरीर में बहुत सारी जगहों में हेल्प करता है। तुलसी कोई एक जगह से हेल्प करेगी, ये गेवड़मा सभी जगह से हेल्प करता है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज किंग ऑफ ऑल। ऐसा क्यों करता है वो अभी 2 मिनट में 5 मिनट में देखते हैं, किंग ऑफ एडप्टोजन। दूसरा एडप्टोजन की प्रॉपर्टी है, कुदरती रूप में काम करता है, नेचुरल फॉर्म में। तीसरा, ये नॉन टॉक्सिक है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, आप बहुत ज्यादा डोज में भी ले लेंगे तो हमारे सब स्टडीज हुए जिसे एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं, माने आप 1 किलो वजन के लिए 5-5 ग्राम गेवड़मा दे दो, 5 ग्राम पर kg बॉडी वेट, माने सपोज हमारा वजन है करीबन से 60 किलो 70 किलोस, तो आप इसका कितना होगा, 16 × 5 3000, या इतना भी आप दे दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया होके सब निकल जाएगा, बॉडी को जो नहीं चाहिए वो निकाल लेगा, पर आपके शरीर में जाके पॉइजनिंग नहीं कर देगा। इज इज वेरी क्लियर, right, this is what is a safety aspect and this is number one when it comes to safety, ginseng jo hai itne safety mein nahi aata hai, gevadama comes for the safety aspect, so the king of adaptogens. Dusra iska, can I rub this now, okay, dusra iska jo category hai, it's a category of BRM, biological response modifier,
आप जानते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, यू नो दिस BRM? नो, दिस इज अ BRM, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. बायो माने लाइफ, लॉजी माने साइंस, रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, मॉडिफायर माने जिसको वो मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है. माने रूटीन कोर्स में आपके शरीर के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और आपका शरीर जो प्रतिकार करेगा, और आपने गेवडामा लिया है और आपका शरीर जो प्रतिकार करेगा वो अलग रहेगा. इज इज वेरी क्लियर, बिकॉज इसमें ऐसे सत्व है जो हमारे शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं, इसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बोलते हैं. तीसरा कैटेगरी है HDP, होस्ट डिफेंस पोटेंशिएटर. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस एंड मेडिकल, बहुत सिंपल मेडिकल में समझा रहा हूँ, बिकॉज ये कोई जादू की छड़ी नहीं है. डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे. पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को धीरे धीरे ये मालूम चलने लगा है. यहाँ पे कोई डॉक्टर को मालूम नहीं, वो आपका फॉल्ट नहीं है. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. सेम थिंग वी हैव फेस्ड इन गुजरात एंड एवरीवेयर. कई डॉक्टर्स से बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने खाली सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में ड्रग्स पढ़े हैं, उन्हें दवाइयां ही पड़ी है कि एक चीज लिया, अंदर गया, ये किया, बाहर आ गया. उससे ज्यादा कुछ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में सिखाया नहीं है. इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी जो पूरी दुनिया में भी एक्सेप्ट हो रही है. HDP माने होस्ट डिफेंस पोटेंशिएटर. होस्ट माने यजमान, डिफेंस माने हमारी प्रतिक्रिया, पोटेंशिएटर माने जिसको बढ़ाना. सिंपल सेम थिंग. आप कहीं पे यहाँ पे सपोज दंगा हो रहा है और आप रोड पे फंस गए, तो आप क्या करेंगे? फटाफट भाग के साइड में कोई लेन में चले जाएंगे, और आपके पास AK-47 है तो क्या करेंगे? राइट, ये वही है, साथ में AK-47 रखना. AK-47 है तो इतने सारे हमले हो रहे हैं उसके सामने आपका शरीर प्रतिकार कर सकता है, तभी आप लंबा और अच्छा जी सकते हैं जो इतने सारे डीएक्शन वाले कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? राइट, इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन. इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में अभी एक्सेप्ट होने जा रहा है. US में, जर्मनी में, सभी जगह में इंटीग्रेटेड मेडिसिन चालू हो गया है. इंटीग्रेटेड माने कोई आदमी भी प्रॉब्लम है तो जिसको जो तौर से आप हेल्प कर सको, जितने साइड से हेल्प कर सको, वो सभी साइड से करना. नॉट ओनली एलोपैथी, नॉट ओनली आयुर्वेदा, सभी का एक मिला के, जिसको बोले इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग. दिस इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन. थैंक यू. एंगल फ्रॉम द आयुर्वेदा एंगल, फ्रॉम द रेकी एंगल, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ जस्ट 5 मिनट्स में कि ये क्या है. माने किसी के पास आप जाते हो तो अच्छी तरह से बात कर सको. एलोपैथी में हमारे क्या दिमाग है, कोई भी चीज में अंदर, इसके अंदर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं. राइट, फिर एक एक चीज को पकड़ते, वो हमारे शरीर में अकेली वो चीज डाल दी तो वो क्या करेगा वो देखते हैं. राइट, सो वी ऑलवेज टॉक ऑफ पार्ट, वी डू नॉट टॉक ऑफ होल. स्टिल इफ यू इवन टॉक ऑफ पार्ट्स, इसमें ऐसे बहुत सारे सत्व पाए गए जो हमारे शरीर को तरह तरह से हेल्प करते हैं. क्या, सॉरी, थर्ड वन, नो प्रॉब्लम, पीछे लगा दो. ओके, कई बार लेक्चर में ऐसे होता है, लक्ष्मण रेखा बनाते हैं कि इससे आगे नहीं जाना, अदरवाइज वो साउंड डिस्टॉर्ट हो जाएगा. वो सब मैं 8-8 घंटे एक सिचुएशन में ऐसे लेकर लेक्चर दिया है, नो प्रॉब्लम. इस हेल्थ के सब एलिमेंट्स पाए गए, राइट, मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि पॉलीसेकेराइड है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडिनोसिन है, ट्राइटोपिनोइड्स है, राइट, गेवडोरिक एसेंस है, देन LZ8 करके प्रोटीन है, बहुत सारे ऐसे सब सत्व इसके अंदर पाए गए. ये सभी सत्व अपने तौर से शरीर को हेल्प करते हैं. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली हाउ गेवडामा इज वर्किंग, इफ यू हैव 5 मिनट्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन. बहुत सिंपल है आपके लिए समझना, इवन फ्रॉम द एलोपैथिक एंगल. यू अंडरस्टैंड हाउ अ कार वर्क्स, एक गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल की कार कैसे चलती है. आप पेट्रोल डालते हैं, उससे क्या होता है, फास्ट इग्निशन, स्पार्क होना, एनर्जी बनना, राइट, और गाड़ी चलना. तो ऊपर वाले ने ये मशीन भी बनाया ना, ये एक अपना खुद का मशीन है, इसमें तरह तरह के स्पेयर पार्ट सब साथ में रख दिए. तो ये मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सभी जगह दुनिया में एक ही चीज है. कैन आई राइट नाउ, व्हाट डू यू वांट ओनली एनर्जी. ये एनर्जी कहां से आएगी, सेल, राइट. अभी गाड़ी को चलने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, ऐसे ये सेल को एनर्जी बनाने के लिए कुछ चाहिए, वो क्या है. ऊपर वाले ने ये सिस्टम बहुत बढ़िया बनाई है. आई एम नॉट वेरी गुड एट आर्ट, बट यू कैन अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ये हमारा सिर है, यहां से क्या होता है, नाक से अंदर ऑक्सीजन जाना, राइट, गोइंग टू ओवर फेफड़ा, लंग्स, ऑक्सीजन जाता है. दूसरा क्या होता है, अंदर नड़ी से क्या लेते हैं हम, खुराक लेते हैं, माने सब न्यूट्रिशन लेते हैं,
न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है, ऊपर वाले ने क्या दिया है हमें, दिल दिया है, राइट। दिल क्या करता है, शरीर के अंदर सब खून जो है वो पंप करता है। अभी हमारा शरीर जो है सभी कोष का बना हुआ है, कोष को चलने के लिए क्या क्या चाहिए उसको ज्यादातर, am I right? ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, दो चीज चाहिए तो कोष उसमें से एनर्जी बना सकता है। तो कोष तक ये चीज कैसे पहुंचेगी, तो वो सर्कुलेशन से पहुंचेगी, वाहिनी, रक्त वाहिनी, राइट। रक्त वाहिनी में ब्लड कैसे जाएगा, वो हृदय पंप करता रहेगा पूरी जिंदगी पंप करता है, राइट। तो ये सब खून पंप करता रहेगा और खून जो ऐसे छोटे छोटे सब वेसल्स होते होते उसको केश वाहिनी बोलते हैं आपके, उसमें जो एकदम छोटी छोटी वाहिनी उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी, केश वाहिनी, राइट। वो केश वाहिनी तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ये कोष के पास जाएगा। तो आपका जो मशीन है उसको अच्छी तरह से चलना है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए, राइट। जो खाना है वो बढ़िया से बढ़िया हजम होना चाहिए और उसके जो अच्छे सत्व है वो शरीर में जाने चाहिए, कचरा है उसको बाहर निकालना है, राइट। और तीसरा, वो करने के लिए जो पंप है वो पंप अच्छी तरह से चलना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो सब ये वेसल है ये ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, किसी को अटैक आता है, राइट। जो हृदय को, जो सपोज कोई भी ऑर्गन को, किसी को ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या होता है, पैरालिसिस होता है। हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या होता है, अटैक आता है, राइट। माने ये जब जो वाहिनी है वो वाहिनी सब खुली रहनी चाहिए, उसमें कचरा सब दीवार पे, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, राइट, वो सब प्लेक जमा नहीं होना चाहिए। कोष को सबसे बढ़िया ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, हमें भी कचरा लेते हैं, पानी खाने खाने में न्यूट्रिशन जो है उसमें भी कचरा लेते हैं। जो कचरा हमारा शरीर रूटीन कोर्स में बाहर के काबिल नहीं है, गेवड़ामा क्या करता है, उसमें ऐसे ऐसे सभी सत्व है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर ये सभी सत्व क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है खून में, जो ऑक्सीजन बहता है उसका कंटेंट बढ़ा देते हैं। ये जो नलिया है उसको खुली रखते हैं, इसमें जो कचरा जमा हुआ है उसको साफ कर देते। हम खुराक में, हवा में, पानी में जो कचरा लेते हैं उसको बाहर निकाल देते, और जो चीज हमें चाहिए वही हमारे शरीर को ये देता है। माने क्या होगा, हमारे शरीर जो कोष है वो कोष ऑप्टिमम हॉर्स पावर में काम करेंगे, राइट। आपको कचरा है तो आपके कोष 100 हॉर्स पावर में से 50 पे आ जाएंगे, आपके कोष को बढ़िया से बढ़िया चीज देते हैं तो कोष अच्छे हॉर्स पावर में काम करेंगे, राइट। कोष अच्छे हॉर्स पावर में काम करेंगे तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। कोष को कितने सालों जीने के लिए बनाया है, रूटीन कोर्स में, राइट। दैट इज हाउ अवर एंटायर बॉडी इज फंक्शनिंग फॉर यू एट योर लेवल, दिस इज मोर देन इनफ। दवाइयां क्या करती है, ज्यादातर एक एक जगह में काम करेगी, ज्यादा या तो ऑक्सीजन बढ़ाएगी, या तो न्यूट्रिशन में कुछ करेगी, या तो यहाँ पे इसको नली को बड़ा करेगी, एक एक जगह में कुछ कुछ करती है। यहाँ पे इतने सारे तत्व है, मोर देन 300 एलिमेंट्स, जो ये सभी तौर से शरीर को हेल्प करते हैं, राइट। दैट इज व्हाई गेवड़ामा हैज गॉट नो मैच व्हाटसोएवर, इज दिस वेरी क्लियर। नंबर वन और नंबर टू में इतना ज्यादा फर्क है कि इसका कोई मैच ही नहीं है। कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं पाई गई जिसमें ऐसे 300 से भी ज्यादा, और अभी नंबर बढ़ता ही जा रहा है कि इतने तत्व है। और हमारे शरीर के ऊपर जो हमले होते हैं उसके लिए हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को एकदम से ताकतवर बनाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, राइट। भगवान ने हम सभी को रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी ताकतवर दी है कि हमारा शरीर खुद किसी भी हमले के सामने लड़ सके, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का उपयोग ही नहीं करते। कोई जैसे किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास। आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ विल पावर से कैंसर के ऊपर जीते हैं, ये सुनो, या आपने गिनीज बुक में देखा होगा कई लोग अपने सिर्फ दांत से वो ट्रेन का इंजन खींच लेते, या कई जो स्त्रियां हैं वो अपने बालों से एम्बेसडर गाड़ी खींच लेती है। तो बालों से एम्बेसडर गाड़ी खींचती है तो हस्बैंड का क्या होता होगा, बहुत खुश होगा, पेट्रोल नहीं चाहिए। जस्ट लाइटर टू में बात कर, कहने का मतलब क्या है, भगवान ने हमें सभी शक्तियां दी है। ऊपर वाले ने हमें बंदर में से कब बनाया, कभी हमारा चांस लगा बंदर में से नीचे भेजा, उत्पत्ति में कितना टाइम हुआ, आदमी की उत्पत्ति को, मानवी की उत्पत्ति को कितना टाइम हुआ, करीबन जस्ट कब पे लगाओ यार, क्या है इसमें, कौन 30 लाख ईयर्स, ऑफिशियली वी आर हियर सिंस 30 लाख ईयर्स, 30 लाख साल से हम यहाँ पे है, बंदर से नीचे आए 30 लाख साल हो गए। दवाइयों को आया कितना टाइम हुआ, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कितना टाइम हुआ,
नहीं नहीं आयुर्वेदा यू कॉल इज ओल्डेस्ट साइंस. आयुर्वेदा आयुर्वेदा इज समवेयर अराउंड से 5,000-7,000 या ऊपर से नीचे आए 30 लाख साल हुए. दवाइयों को आए करीबन 5,000-7,000 साल हुए. तो ऊपर वाले ने जब हमें नीचे भेजा तो जेब में कोई गोली डाल के भेजा है कि नीचे लेता जा काम आएगा है? वो टाइम तो जेब भी नहीं थी आदम और ईव, कुछ कपड़े ही नहीं थे या ऊपर वाले ने क्या दे के भेजा है? ऊपर वाले ने रोग प्रतिकारक शक्ति दे के भेजा है. पर हम सब इसे भूल गए, हमारे डॉक्टर्स भी भूल गए. MBBS में ये टॉपिक ऑप्शन में आता था, आई रिमेम्बर बराबर है. इतना टेढ़ा टॉपिक है कि डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं चलता था कि इसमें क्या हो रहा है. हमारा माइंडसेट कैसा है, आप बीमार पड़े गोली खाओ, बचे तो बचे न बचे तो स्वधाम. मेडिकल में दो ही तरह के डिस्चार्ज होते हैं. आपको सपोज कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, आपके नसीब अच्छे है तो आप सीधे घर जाएंगे वापस, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज बोलते हैं, राइट, सीधे घर जाना. और आपके नसीब अच्छे नहीं है तो आपके लिए ऊपर वाले के द्वार खुलेंगे, ऊपर जाना. यही होता है और कुछ नहीं होता. मीन्स यू हैव टू चेंज द माइंडसेट. अभी पूरी दुनिया इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स पे जा रही है, माने अपने शरीर की शक्तियों को खुद जगाओ. इसके जो डॉक्टर्स है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो खुद ये बोलते हैं कि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि हमारी इम्यून सिस्टम 100% कैसे काम करती है, राइट. एंड वन वेरी स्ट्राइकिंग एग्जांपल कि हमने नीचे आए 30 लाख साल हुए, उसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जो है दिमाग वो भी 30 लाख सालों से है. यस, वेरी सिंपल. पर हमारे दिमाग के बारे में 95% इंफॉर्मेशन हमें लास्ट 10 ईयर्स में मिली है. कैन यू बिलीव दिस? हमारा दिमाग 30 लाख सालों से है पर इसके बारे में 95% इंफॉर्मेशन लास्ट 10 ईयर्स में हुई है. इसका बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, राइट, अपने सब स्कैन वगैरह से अभी पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है. उसका मतलब क्या हुआ, हमें मालूम नहीं डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. हमें सब मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रही है हमें सब मालूम होता, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, राइट. ज्यादातर कुछ मालूम नहीं है. गेवड़ामा में भी ऐसे ऐसे सत्व है जो पहले पाए नहीं गए. अभी ऐसे साइंस में रिसर्च में देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सत्व है कि ये सब पॉसिबल है. और धीरे धीरे रिसर्च में सब प्रूव हो रहा है. अभी 2000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर है. एंड टन्स एंड टन्स ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एंजाइम देता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देता है, शरीर का जो कचरा है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस वो करता है. आप देखते होंगे कई लोग को एकदम थकान थकान महसूस होती है, राइट. डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं उनको, वाइटामिन के गोली देते हैं और कुछ देने के लिए है नहीं. वो थकान का ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स थकान का जो रीजन है वो क्या है, जो कचरा हमारा शरीर निकाल नहीं सकता है, राइट. और गेवड़ामा लेने के बाद बोलते हैं हमें अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश महसूस होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. शरीर का कचरा निकालने की इसमें बहुत बड़ी क्षमता है. कचरा कैसे निकालेगा, कोई भी छिद्र के द्वारा निकालेगा, राइट. माने लेने के बाद किसी को पसीना ज्यादा हो जाए, किसी को पानी ज्यादा पीना पड़े, किसी को पेशाब ज्यादा जाना पड़े, स्टूल ज्यादा जाना पड़े, किसी को नौशा वॉमिटिंग हो जाए, ऐसे तरह तरह के उससे हमारे शरीर से सब कचरे निकालता है. कचरे निकालने की ताकत आपने देखी होगी मध्य प्रदेश में. आई विल गिव माय एग्जांपल. मैंने 26 महीना पहले ये लिया था. लेने के बाद मेरा शर्ट जो है एक हफ्ते तक पूरा लाल हो गया था. रियल रेड स्वेट, स्वेटिंग वॉज रेड फॉर 1 वीक. फिर धीरे धीरे पीला होते होते बंद हो गया. कई लोग को मल्टी कलर यूरिन आते हैं, ऐसे तरह तरह के केसेस होते हैं. ऐसा सब प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन जो रिफ्लेक्सोलॉजी के कंसेप्ट से होता है. ये कोई जादू नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करना. हमें पीलिया होता है, कमड़ा होता है, राइट. लीवर का प्रॉब्लम कहाँ देखते हैं, आंख में देखते हैं. लीवर का रिफ्लेक्शन आंख में है, किडनी का रिफ्लेक्शन कान में है. ऐसे सब हमारे शरीर के सब रिफ्लेक्टिंग एरियाज है. ऐसी तरह तरह के उससे गेवड़ामा हमारे शरीर को हेल्प करता है. माने एलोपैथी के तौर से देखा जाए इसकी सभी एक्टिविटीज, माने ब्रेन का टॉनिक, सिडेटिव देखा जाए, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, राइट, एंटी हिस्टामिनिक सब भी आप देख लो, कार्डियोटॉनिक, सिडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मांगो वो सभी कुछ एक जगह में आ गया है. बट दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस मिक्सचर ऑफ पार्ट एंड होल इज डिफरेंट. एलोपैथी में हम क्या देखते, सभी का एक एक पार्ट लेना, ऐसा नहीं है. ये तो पूरा एकजुट होके कुदरती रूप से हमारे शरीर को हेल्प करता है. पर एलोपैथी के उसमें आपको देखना है तो भी ये सब एक्टिविटीज इसमें रिसर्च में पाई गई है, जो डॉक्टर को आप बोल सकते हैं. दूसरा जो है वो आयुर्वेद के तौर से देखा जाए तो ये त्रिदोष शामक है. त्रिदोष शामक समझते, राइट, राइट. वाक, पित्त एंड कफ, ये सभी आयुर्वेद का थियरी कैसा है, कायाकल्प का थियरी, बैलेंसिंग का थियरी. ये पूरा कायाकल्प का थियरी, बैलेंसिंग. और आयुर्वेद के जितने सारे प्रैक्टिशनर्स मेरे पास है और जितने जिसका आयुर्वेद का जितना मैंने अभ्यास किया है बिकॉज ऑफ माई रिसर्च, इसमें ये देखा गया है ये सभी त्रिदोष शामक का राजा है. इसके आगे और कुछ नहीं है. और आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने इसके हिस्ट्री में देखे. रेकी के तौर से देखा जाए
तो ये एनर्जी के फ्लो बढ़ाता है राइट, इट हैज गॉट अ यूनिक पावर ऑफ टेकिंग इन द एनर्जी एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी. तो कोई आदमी गेवड़ामा आवे तो ऐसे ऐसे रेकी के मास्टर है जो किसी को रेकी सिखाने से पहले गेवड़ामा दे देते हैं तो फटाक से वो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री कर लेता है. इफ एनीवन इन रेकी यू कैन नो दिस, एनर्जी के लेवल इतने फास्ट ये बढ़ाता है. इसमें एनर्जी हवा में से खींचने की बहुत ज्यादा ताकत है, पंच धातु इसी में है. सो स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए तो ये है राइट. और ये सभी मिलने से सोशल लेवल पे भी हमें डिफरेंसेस महसूस होते हैं. स्ट्रेस के लेवल पे मेंटल लेवल पे आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपको कामिंग इफेक्ट रहती है राइट. मैं जो अभी आपके सामने खड़ा हूँ करीबन 26 महीने से मैं 6 घंटे सोया नहीं हूँ तो आपको मेरे फेस पे महसूस तक नहीं होगा राइट. मेरे जो लेक्चर्स मोर देन 300 लेक्चर्स आई हैव टेकन फॉर 3 आवर्स देन बेसिक ट्रेनिंग. जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट आई डिफरेंस आई हैव ऑब्जर्व. 8-8 घंटे बेसिक ट्रेनिंग में बोलता हूँ, 20-20-30 घंटे एडवांस ट्रेनिंग में बोलता हूँ. जो मेरे आसपास में है गुजरात में आप किसी को पूछ सकते हैं, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस एंड टन्स ऑफ रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉट. व्हाई दिस इज सो यूनिक, बिकॉज आई टोल्ड यू एरे ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज बेसिकली अ वेरी बिग रिवॉल्यूशन. या फ्रॉम ऑल माई नॉलेज, जितना भी मैंने रिसर्च में किया है अब तक 6-7 सालों में, बहुत कुछ हर्ब्स मैंने देख लिए, दुनिया की बहुत सारी चीजें देख ली जो शरीर को कैसे कैसे हेल्प करती है, इसका और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है. हर्बल मेडिसिन तो आप जानते ही, दुनिया में ऐसे ही है. अभी अमेरिका वालों ने बहुत जोरों से एक्सेप्ट करना शुरू किया है. अमेरिका का प्रिस्क्रिप्शन देखो तो आई हैव गॉट द स्टैटिस्टिक्स के अमेरिका में जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें से 1/4 दवाइयां औषधि में से बनती है. कैन यू बिलीव दिस, उसका ओरिजिन हर्ब्स में है. आपने क्विनाइन कैसे बनाए राइट, डिजिटलाइज कैसे बना है, ऐसे ही बना है राइट. अभी नया एक ड्रग आया टेक्सोल करके, कैंसर प्रिवेंशन के लिए टेक्सोल आया है. वो यू नाम के मीन्स ट्री में से बना है, यू ट्री उसमें से बना है. कितने सारे 119 ड्रग्स अभी मार्केट में ऐसे है जो हर्ब्स में से बने हुए है. और उसका आप इतिहास देखेंगे तो किसी ने यूज किया कोई औषधि को, फिर पता चला और फिर इट हैज कम टू द मार्केट एज अ प्रोडक्ट राइट. और अभी राइट नाउ यूएस में 6 करोड़ लोग ऐसी औषधियों का उपयोग कर रहे हैं. जर्मनी में डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन 70% प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन में हर्बल मेडिसिन होती है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है इंश्योरेंस में. कैन यू बिलीव दिस, हमारे देश में ये सब सिस्टम लाना है. जागृति जो है वो जागृति को हमें बढ़ाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हर्बल मेडिसिन का इतना बड़ा बेस, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग. प्रोफेसर हैज नाउ शोन मी द फिंगर दैट आई हैव टू नाउ लीव स्टेज, बट आई हैव गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक दिस. इफ यू वांट यू कैन मीट मी आफ्टरवर्ड्स, नो प्रॉब्लम. कहने का मतलब ये है कि कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ गेवड़ामा नई चीज है. दुनिया को मालूम नहीं था हर्बल मेडिसिन तो पहले से है, हजारों साल से है, पर गेवड़ामा इसलिए मालूम नहीं था सिंपली बिकॉज ये मिलता नहीं था. आपको कोई कॉमनली पूछेगा कि इतनी ताकतवर चीज आप बोल रहे हैं, हमें मालूम क्यों नहीं था, सिंपली बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल. सिर्फ राजा महाराजा इसका इस्तेमाल कर सकते थे. और अभी दुनिया को पता चलने लगा है तो सिर्फ 5-10 सालों में 15,000 करोड़ के ऊपर इसका टर्नओवर पहुंच गया है. वन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पार्टिंग स्टेटमेंट आई विल मेक इज, आई टोल्ड यू इज अ रिवॉल्यूशन. दुनिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन आ गए. सबसे पहला रिवॉल्यूशन कौन सा था, व्हील का रिवॉल्यूशन. या इफ यू टॉक ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, व्हील के रिवॉल्यूशन से हेल्थ मिल सकता था, नॉट मच. ज्यादातर आपको मींस कन्वीनियंस मिलता था. देन आया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन. एग्रीकल्चर में ज्यादातर वेल्थ मिलता था, हेल्थ वॉज नॉट मच ऑन ऑफर, इट वॉज देयर बट प्लस माइनस. देन कम्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हेल्थ मिल सकता था, नॉट पॉसिबल, हेल्थ चला जाता है. या वेल्थ में प्लस माइनस, वेल्थ भी चला जा सकता है इंडस्ट्री में. या हैप्पीनेस इज समथिंग बाय द साइड. देन कम्स आईटी रिवॉल्यूशन, कम्युनिकेशन वगैरह उसका रिवॉल्यूशन. इसमें हेल्थ मिल सकता है, नो. वेल्थ मिल सकता है, मिल भी सकता है, जा भी सकता है राइट. हैप्पीनेस मिल सकता है, मिल भी सकता है, जा भी सकता है. कई लोग के घर टूटे हुए हैं इंटरनेट के कारण. या सब कुछ हो सकता है. दिस इज द ओनली रिवॉल्यूशन विच कैन गिव यू एवरीथिंग. If you combine Gevdama and DXN, I bet on it, I've got more than 55 points, right? Which gives you health, wealth, और हम healthy है, हम wealthy है, पर घर जाके हमें डांट पड़े तो अच्छा रहेगा, right? कई पहलवान है घर जाके एकदम ढीले हो जाते, मालूम है ना? Yeah? आपके पास health है, wealth है, नहीं चलेगा. आपके आसपास के सभी लोग भी happy होने चाहिए. तो real sales में आपको जो health, wealth और happiness चाहिए, वो
चीज एक ही जगह पे मिलती है दुनिया के सभी और रिवॉल्यूशन से, ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है. दैट्स हाउ आई पुट इट, राइट. एंड इफ यू लुक एट डीएक्सएन, डीएक्सएन गोज लाइक दिस. और डीएक्सएन का जो गेवड़मा है, मैंने बहुत सारे गेवड़मा का अभ्यास किया है. देयर इज नो मैच फॉर डीएक्सएन गेवड़मा. वो सब टेक्निकल टर्म्स है. देयर इज नो मैच फॉर इट. इफ यू राइट डीएक्सएन, डीएक्सएन इज रिटन लाइक दिस, गॉड इंटू